क्या बोलना चाहेंगे? जैसे रामायण, साई नाथ, बाल गोपाल, गांधी, और इन सब चीजों में एक ये बड़ा अध्याय आज शुरू होने वाला है। जैसे कहते हैं कि हर चीज सिर्फ लेने की नहीं होती, देने की होती है। हम एक कोशिश हमारी है कि ये सोसाइटी के लिए कुछ हम वापस कर सकें और अपने लिसनर्स को कुछ एक ऐसी चीज दे जो सिर्फ ना ही एक बॉलीवुड का म्यूजिक चैनल के हिसाब से है, बट ऑल्सो जो उनके लिए इनके दिलों को छुए और उनके लिए ज्यादा काम कर सके। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। जोड़ा भाइया राजू सिंह के लिए। गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मे श्री गुरुवे नमः। कहा जाता है गुरु ही होता है जो सत्व बताता है कि क्या भगवान है, और सबसे पहले जो होता है वो होती है हमारी माँ जो बताती है कि भगवान क्या, क्योंकि वो है गुरु होती है और हमारी फिल्मों में होती है हमारी माँ, हमारा बाप डायरेक्टर। तो प्लीज बड़े हंस गदर एक बार जोरदार ताली स्वागत कीजिए साईनाथ के डायरेक्टर शुभांतो रे, एक बार जोरदार ताली स्वागत। शुभांतो ने आज तक जितने भी फीवर एसएचआर एफएम में प्रोडक्शन हुए हैं रही है, जैकी श्रॉफ जी को लेना इस पूरे, मुझे अच्छे से याद है कि जब मीटिंग हुई थी तो तकरीबन 18-19 लोगों के नाम थे, जैकी श्रॉफ ही क्यों साईनाथ के रूप में? देखिए, हर प्रोजेक्ट के लिए जब आप कोई नया चीज करते हैं तो एक कास्टिंग के लिए कुछ सोचना पड़ता है। आप ये देखते हैं कि कौन कैसा परफॉर्म कर रहा है, कौन कैसा वो कर रहा है, लेकिन जब मैंने साईनाथ करने की सोची तो मैंने एक्टर नहीं ढूंढा, मैंने एक इंसान ढूंढा जो साई के सबसे करीब हो। अगर आप जैकी दादा के इंटरव्यूज देखें जो पुराने टीवी पे आए हैं तो आपको लगेगा कि ये इंसान जो जिसने इतना स्टारडम देखा है, जिसने जो हिट पे हिट मूवीज दे चुका है, लेकिन ये एक्चुअली में एक फकीर है। और वो मुझे चाहिए था इसके लिए। तो जैकी श्रॉफ से अच्छा कोई मैच मुझे नहीं लगता साई बाबा को प्ले करने के लिए हो सकता है, बिकॉज ही लिव्स दैट लाइफ। ये साई बाबा की जिंदगी जीते हैं, उनको मानना अलग बात है, लेकिन वो जीते हैं उस जिंदगी को, तो इसीलिए जैकी श्रॉफ। देखा जाए तो सबसे पहले रामायण, फिर बाल गोपाल, फिर कलकत्ता में बहुत सारे लोगों ने किया, यहाँ पर जितने भी हुए, तो साईनाथ क्यों चुना आपने? क्योंकि ये प्रस्तुति अपने आप में बहुत बड़ी है और हर धर्म हर वर्ग के लोग, क्योंकि कबीर के बाद अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो सर्व धर्म संभव हमेशा प्रयास रहा उनका कि सब लोग एकत्रित होकर रहें, तो साईनाथ ही क्यों चुना आपने? देखिए अनुराग, एक तो वही जो आपने कहा कि ये इस समय इस माहौल में ये बताना बहुत जरूरी है कि साईनाथ को मानते बहुत लोग हैं। देखिए, अगर आप देखें हमारे शिरडी में भी सोने का मुकुट, चांदी के गद्दे और पता नहीं क्या क्या दिया जाता है। हम कहीं ना कहीं भूल गए हैं कि साईं बाबा एक्चुअली क्या थे। साईं बाबा ने जिंदगी में कभी ऐशो आराम की जिंदगी, वो चाहते तो जी सकते थे, उनके पास बहुत सारे पावर्स थे, लेकिन उन्होंने कभी किया नहीं ऐसा। वो हमेशा एक फकीर की जिंदगी, एक मलंग की जिंदगी जीते रहे, और वो जो एक लाइफ है वो हम शायद कहीं पीछे भूल गए। हम बहुत ज़्यादा आजकल कमर्शियल हो गए हैं साईं बाबा को लेकर। तो मुझे मेरा जो सपना था वो ये था कि साईं बाबा की जो जो टीचिंग्स है, जो प्रीचिंग्स है, जो उन्होंने कहा कि सबका मालिक एक है, जो उन्होंने कहा कि किसी में कोई अंतर नहीं है, ना धर्म, ना जात, ना अमीरी गरीबी, कोई भी चीज़ मायने नहीं रखता, क्योंकि ऊपर वाला तो एक ही है। तो वो मैसेज और वो जो एक सिंप्लिसिटी है लाइफ की, जो जीवन में एक जो साधारणपना है और फिर दूसरों की मदद करना, वो सारी चीजें जो है वो कहीं हम वैल्यूज को हम भूल गए पीछे साई बाबा की। हम साई बाबा को मानते बहुत हैं लेकिन उनकी वैल्यूज हम कहीं भूलते जा रहे हैं। तो वो वैल्यूज वापस लाने के लिए, वो असली चीज जो साई बाबा का है वो लाने के लिए, इसलिए साईनाथ सबका मालिक है। जैसे कि कबीरपंथी जितने भी लोग थे साई बाबा भी थे, और उनका कहना था कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिला कोई, जो दिल खोजा आप न मुझसे बुरा न कोई। आपको क्या लगता है कि समाज में साईनाथ के द्वारा आप रेडियो के जरिए लोगों तक क्या पहुंचाएंगे, क्या संदेश देंगे? एक ही संदेश जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि प्रेम। साईं बाबा हमेशा यही कहते थे, साईनाथ हमेशा कहते रहे कि ना मैं हिंदू हूँ ना मुसलमान हूँ, मैं बस एक इंसान हूँ
और वो इंसान होने का जो सबसे बड़ा वो जो है, अगर हम लोग एक बेहतर इंसान बन पाए, मेरे ख्याल से पूरा समाज, पूरा हिंदुस्तान, पूरा विश्व जो है वो एक बहुत सुंदर जगह हो जाएगी, बहुत सुंदर वसुंधरा हो जाएगी रहने के लिए, अगर हम एक भले इंसान बन पाए। और वही मैसेज जो है साईनाथ के थ्रू मैं अपने रेडियो लिसनर्स और बाकी समाज को देना चाहूंगा। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए जैकी श्रॉफ के लिए। कम ऑन गाइस, जैकी दा आंखों में आंसू। ये वाकई एक ऐसा पर्व कह सकता हूं साईनाथ फीवर एक्स जार एफएम के लिए, जहां पर किसी भी धर्म, किसी भी पर्व से, किसी भी उत्सव से बड़ा था। कैसा अनुभव रहा ओवरऑल ये पूरा प्रोजेक्ट करते हुए? सबको प्यार प्रणाम नमस्कार। क्या हुआ शाने? प्रणाम नमस्कार सलाम सबको। बाबा है, डायरेक्टर है, मेरे को लिया क्यों लिया बता दिए। बोला है सुना, ये यहाँ के हेड है, इन्होंने मुझे क्यों सिलेक्ट किया ऊपर वाले को मालूम। सौरभ बोंजल ये हमारे साउंड रिकॉर्डिस्ट है, जरा सौरभ अरे फिर कैमरा आखो को निकले ये साउंड सेट सौरभ। बाकी पूरी गैंग, ये वो लंबू पीछे खड़ा हुआ है वो था, वो चाय पिलाए मेरे को, बहुत प्यारा चाय पिलाया हमेशा, जिसके आखो ना सुनीता थोड़ी ही ये आवाज जब भी बढ़ जाता तो बाबा आता, ये आता था और चाय का पूरा गेम खेल लेता था। थैंक यू सो मच, आभारी तुमसे सर्वा सर। ये प्रिय मेरा टीम है, हम लोग का टीम है, बाबा जो बाबा को संभाला है। थैंक यू सो मच। देखिए देखिए कहा, बाकी कुछ बोलूंगा नहीं बेटो, मेरे को कुछ बोलने को आता नहीं, तुम लोग सब समझदार है, तुम लोग सब बड़े लोग हैं, भेजा है तुम लोगों के अंदर कि बाबा क्या बोलता है, जो आई माँ बोलता है घर पे वही बाबा बोलता है। माँ ने क्या सिखाया तुम लोग को, क्या सिखाया, सिखाया ना अच्छी चीजें, बराबर ना, विसर लगा है ना, विसरा है सर। माँ जो बोलती है वही सब बातें बाबा की भी होती है। माध्यम मुझे बना के इन लोग यहाँ पर बुलाया है, मेरे जरिए बाबा की बातें कोशिश की कि लोग समझे, फुर्सत है नहीं किसी के पास समझने के लिए, प्रॉब्लम ये टाइम नहीं है। ट्रेन के अंदर सफ़र करेगा तो मालूम पड़ेगा, यहाँ बैठ के एसी के अंदर बोलने को अच्छा लगता है, और ऑफिस आते आते कितना दम निकलता है उन लोगों को मालूम है जो ट्रेन में आते, जो अपना ट्रैफिक चीर कर गाड़ी से आते, ऑटो से आते, अवगढ़ है, मतलब बहुत मचमच है, बहुत लफड़ा है लाइफ के अंदर। उसके अंदर थोड़ी सी बातें अगर है, अगर माँ की बातें जो है वो भूल गए, या तो माँ को संभालने के लिए पैसा कमाना है और घर संभालने के लिए पैसा कमाना है, उसमें भाग दौड़ है, मगर उसमें थोड़ी अच्छाइयाँ जो होती है वो इंसान की वो तो नहीं जानी चाहिए बड़े। वही बात है बाबा का भी कि भाई अच्छाई जानी नहीं चाहिए, अब वो निकल गया तो सब निकल गया, तो मशीन हो गया, सुबह निकला वही जो तुम लोगों का कैमरा को देख रहा हूँ या माइक को देख रहा हूँ वही बन जाऊंगा बेड़ू। दिल तो रहेगा नहीं, शाने लोग शाना बन के घूमे, शाना भी नहीं है, है क्या, मुर्दे हैं, मुर्दे बोलते ना जो आंकड़ा वो मुर्दा, थोड़ा फ्लेक्सीबल, थोड़ा सा ईजी, थोड़ा सा लाइफ, थोड़ा सा घर से निकले नाश्ता हाथ में, चलो कुछ रह गया पाँव मस्का रह गया गाड़ी में रख दी या अपने हाथ में रख दिया, कोई बच्चा दिख गया सिग्नल पे, पैसा का ही वो बाजू वाले को जाएगा, खाना डाल देने का, नाश्ता लेके घूमो, उतना ही किया तो बहुत हो गया, उतना करके देखने का, जो भी अपने घर में रोटी परोठा उसल मिसल का ही तरीका है, वड़ा पाव का ही तरीका है, थोड़ा भी बच्चा उन लोग खाएंगे सिग्नल पे, वो लेके भी घूमा तो सब बाबा, खाली बाबा ही बाबा, साईनाथ ने सब बाबा है, सबके अंदर बाबा छुपेला है, मगर इतना छुप गया है कि उसको निकलने को ही नहीं दे रहे। खोलो अपने दिल का दरवाजा, खोलो, आने दो, अच्छा ही आने दो, इंसान है, ये नहीं बोलता हूँ कि इंसान मतलब कि वो मतलब इतना अच्छा के भगवान, ऐसा कुछ नहीं है बड़े, अपने में भी बुराई है, वो सब रस है जो होना चाहिए इंसान में, इसलिए इंसान है बाबा, नहीं तो देवता बोलते या तो शैतान बोलता। इंसानी बनने का है ना, तो थोड़ी इंसानियत आ जाएगा ना तो बहुत काम आ जाए बाबा, थोड़ा सा ज्यादा भी नहीं, दादा नहीं, दादा नहीं, नमक की तरह नमक, ज्यादा भी डाल देगा तो मजा नहीं आएगा बड़े,
नमक की तरह खाने में जितना गिरता है, कोई खाता ही नहीं नमक, तो दूसरा आइटम डाल, हल्दी डाल, उतना डाल, समझ गया ना, बोलेगा कुछ नहीं, सब समझदार है। ये किया मेरे जरिए इन्होंने, ये आप लोगों तक पहुंचाया रेडियो फीवर ने, हिंदुस्तान टाइम्स के आप वही हिंदुस्तान टाइम्स है, रेडियो फीवर है, इन्होंने ये मुझे लेकर आप तक पहुंचाया, मेरी आवाज़ को पहुंचाया, भावा का जो थॉट है वो पहुंचाया, और उसके लिए आप लोगों का शुक्रगुजार हूं। और कुछ समझ गया तो ठीक है, नहीं समझा तो समझे अपने को गया है। अच्छा था, दो चीज बोलता है कब्रस्तान में या स्मशान में, दो चीजें बोली जाती है, अच्छा था, अच्छा था गया, अच्छा हुआ गया, बस ये दो आइटम है, उसके बाद में तेरा गेम सेट है, सोचेगा भी नहीं, घर तक पहुंचने तक दूसरे रफड़े से शुरू हो जाएंगे, समझा, इसीलिए बीच में जितना गेम खेल सकता है, छोटा सा बालमा पाव मस्का घर से लेके निकल या कुछ भी निकल, अपने घर में जो थोड़ा सा बचा टेबल प्लेट पे दे दे सिग्नल पे, अगर मौका मिला तो, मतलब वहां से अच्छा ही शुरू हो जाएगी और दिल खुलते जाएगा, और बाकी करते रहेंगे, बुरा करते रहो अच्छा भी तो करो थोड़ा, बाकी बिंदस। जैकी दादा, जब पहली बार आपको ये रोल ऑफर किया गया तो आपने क्या कुछ प्रिपरेशन की थी खास करके इस किरदार को लेकर? देख भाई, बाबा का कोई प्रिपेयर विपेयर तो करता नहीं, जैसा वो कर रहा था वैसे ही कर रहा है, ये हाथ में दे देता लाइन्स और मैं बोल देता था मेरे दिल में जैसा आता था, उसके लिए प्रिपेयर क्या करूँगा। मैंने बाबा की आवाज़ कभी लाइफ में नहीं सुनी, ना आपने सुना, कोई नहीं सुना होगा, कोई है ही नहीं, उसका डॉकेट है ही नहीं ना, है नहीं है कि बातें जो है वो जो लिखी गई है वो है, उनके थॉट है वो समझ में आ रहा है अपने सबके, सबको आता है, सब लोग बाबा बाबा करते हैं ना, पहनते अपन पहनते ना, सब समझते हैं, तो मैं कोई प्रिपेयर कुछ नहीं किया डाली, जरा अपन प्रेपरेशन न था, यानी लाइन्स दिल आनी में बोल गया, जितना दिल से निकला उतना बोला, जैसा मुझे अच्छा लगा बोला, इसको हमेशा अच्छा लगा, एक टेक अच्छा लगा, बाबा ने म्यूजिक देखे, बैकग्राउंड देखे, सुधारा इन दोनों ने, बाकी माँ की कसम प्रिपेयर नहीं किया, ना ही किया प्रिपेयर, सॉरी। फीवर से जाना फिल्म के साथ हमेशा बहुत सारे स्टार्स आए, लेकिन आपकी बात ही अलग थी, आप जब आते थे एकदम दहलका मच जाता था, तानियां बजती थी, सीढ़ियां बजती थी जब आप आते थे, कैसा अनुभव रहा फीवर 104 एफएम के साथ काम करते हुए? आपके जो रेडियो स्टेशन है, आप लोगों के जो जितने भी यहाँ पे टेक्नीशियंस हैं और स्टाफ है, और जो सब लोगों का दिल बहुत बड़ा है, वो सबको ऐसे लगता है कि मैं अकेला नहीं बढ़ू, ये बोलने की बात है ये कि मैं आता है तो ये सब, वो सबके लिए डालेंगे, भले वो प्रिपेयर है, भले वो एक स्क्रिप्ट है, पर रियलिटी है कि आप लोगों में बहुत दिल है। मैं किचन से शुरू करता हूँ कभी भी, उधर अगर स्माइल दिख गया तो मेरे को मालूम है कि सब कैसे है, अगर उधर खुलना से मैं दिखा, अगर थोड़ा भी फ्राउन दिख गया उसके चाय बनाने के चेहरे पे, मैं समझ गया कोई शामिल हो गया, व्हेन सुनीता स्माइल्स आई नो दैट द होल ऑफिस इज फैंटास्टिक, देयर इज सम वाइब्रेशन व्हिच इज सुपर्ब, सो बस बड़े वही है, आपको बहुत अच्छा लगता है फीवर आके, मैं कितनी बार आया हुआ, मैं अपने घर में इतना नहीं जाता हूँ जितना यहाँ लास्ट दो महीने में बहुत आए थे, माफी चाहता हूँ कि आप मेरा ज़्यादा थोड़ा देख रहे हो आप लोग, बोलिए पर अभी शायद नहीं देखेंगे जब तक ये कुछ और नहीं सोचेंगे, बहुत जल्दी सोचेंगे, चिंता मत कीजिए। जब पहली बार आपको बताया गया, जब शमंतो मिले, सब लोग मिले आपसे फीवर से जा रहे थे लोग, तो आपने क्या सोचा था, वाकई सोचा था इतना बड़ा बन पाएगा ये? बिड़ू बाबा है, नहीं बनेगा तो गधे समझने वाले, बाबा है, बाबा की बातें बड़ी होती है, नहीं बड़ा होके भी फकीर भी बड़ा है, फकीर ही बड़ा है, राजा लोग कहेगा बड़ा है यार, मैंने ये सोचा वोचा नहीं था कि इतना बड़ा बनेगा या इतना वो बनेगा, मेरे को इतना है कि एक दो जन भी समझ गया हर रोज बहुत हो गया, उससे बड़ा कुछ नहीं होगा, जो खाली मैं बोला वो फॉलो कर, उसकी बात है बाबा की बात फॉलो कर, शेजारी रास्ता बगैचा नहीं, दूसरे के घर में क्या हो रहा है वहाँ क्या हो रहा है, अरे तेरे घर में देख, मैं बाल बोल बोल के थकेला है, कोई अब करता है नहीं करता है मांग, अरे यार उसका इतना और मेरा कितना, मैं भी उससे ज्यादा करता हूँ मगर मुझे इतना, अरे छुप रही जो है सही है यार, सही बात, आंख में देख ले सुबह उठ के ब्रश करके मालूम पड़ जाएगा कितने पानी में, दूसरे की आंख में देख रहे हैं, दूसरे की आंख में देखने का टाइम नहीं, मोबाइल पे देख रहे हैं आजकल, हम मुंह पकड़ के कभी अपनी माँ का देख ले, अपने बाबा का देख, अपने माशुका का देख, अपने बच्चे का देख, अपनी पत्नी का देख, अपनी गर्लफ्रेंड का देख, बड़ो फिर बस देख तो सही, आंख में कुछ
24 से 12 घंटे कितना घंटे जागते हैं काम अपन 18 घंटे 16 घंटे तो जागते हैं, उसमें से 30 सेकंड तो देख किसी की आंख में, मोबाइल मोबाइल के मेरे स्क्रीन क्रैक हो गया, मैं भी इतना देखता हूँ स्क्रीन ही क्रैक हो गया। आप हमेशा शिरडी जाते हैं हमेशा जाते हैं, और क्या अनुभव रहा कभी कुछ ऐसा? वह कुछ नहीं, मैं वहाँ जाता हूँ और वहाँ का एक जो झाड़ है जहाँ पे बाबा बैठते थे उसको कॉर्डन कर दिए हम लोगों ने, कोशिश करता हूँ कि वहाँ जाके पहले वहाँ की मिट्टी उठा लूँ या तो वहाँ टच कर लूँ, बहुत हो गया, बहुत तो सब जगह है अंदर देखेंगे तो है, वो तो स्थान था बाबा बैठा हुआ था, और भी जगहों पर गए हैं बाबा, और भी जगहों पर गया हुआ बाबा, हमेशा जहाँ देखना है वहाँ दिख जाएगा, स्वयं भीतर देखने वाले के ऊपर है बाबा, इट्स नॉट अप टू अस, वहाँ वहीं जाके रहना, वहाँ भी जाओ ना, वहाँ तो जाना उनका घर था, वहाँ बैठा हुआ था, पर एनीवे आई होप यू गाइस एंजॉय यार। बाकी क्या पूछ रहे थे क्वेश्चन? दादा जैसे कि आपने कहा कि ऑडियंस काफी कनेक्ट करेगी, तो क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस से शो के बारे में? भाई यही कहना चाहूंगा, कनेक्ट सुना समझ लिया, कनेक्ट करना मतलब गाड़ी में अपन ट्रैफिक में जाते हैं या सुनते हुए जाते हैं या सुबह अर्ली मॉर्निंग जब उठते हैं नाश्ता वाश्ता बनाता है तो पीछे चल रहा है उस वक्त, मेरे ख्याल से पता नहीं कितने बजे आप टेलीकास्ट कर रहे हैं, 7 बजे और 1 बजे, 7 बजे कर रहे हैं सुबह और 1 दोपहर को 1 बजे और 1 दोपहर सुबह 7 बजे तैयारी होती है, स्नान करके नाश्ता बनता है परिवार के लिए, स्कूल की तैयारी, शोहर की तैयारी, उनके कपड़ों की तैयारी, बैग तैयारी, बहुत सारी चीजें होती है, उस वक्त कान ही फेंकना है, कान ही रखना है, फेंकना भी नहीं रखना है, ना भी रखे तो कॉन्शियसली आते रहेगा, तो 7 बजे का टाइम है अगर सुना और कुछ समझ में आया तो बहुत अच्छा, नहीं है तो मैं क्या करूं, आप बताए दूसरा टाइम कितना बजे? 1 बजे, दूसरा दोपहर को 1 बजे बढ़ू जब नाश्ता खाना बन ही रहे लास्ट दादा करके और भी आने वाले बच्चे वो टाइम पे, फिर भी कान ही लगाने गए, रेडियो ट्रैफिक अपना मुंबई का दबा के सुनेगा सुनने वाले, मैं चाहता हूं कि जितने सुने उसको समझें, खाली सुन के खाली बोलने का नहीं बढ़ू, समझ लेना, और किसी दूर की बात नहीं, अगर आप बाबा नहीं बोलते आप फकीर बाबा में ज्यादा नहीं रखते तो अपनी माँ पे रखना, तो माँ की बात ही है कि माँ और बाबा एक ही फकीर है, बाकी मैं जितना समझा सका मेरे दिल से मैंने जितना रेडियो पे बोला और जितना आप लोगों के कान तक ज्यादा अवगढ़ नहीं लगेगा सही लगेगा, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे को इन्होंने ये दुआएं दी है और मुझे ब्लेसिंग्स दिया है, मुझे इन्होंने पूरा संभाला है कि मेरे जरिए ये बात आप लोगों तक पहुँच रहा है, कुछ गलती हो तो माफी चाहता हूँ, मगर जो मेरे दिल से निकला उतना मैंने साफ कोशिश की आप लोगों तक पेश करने की, और रेडियो फीवर सुबह 7 बजे और 1 बजे दोपहर के 1 बजे ये जब होगा तो देखना, कब से शुरू कर रहे हैं आप? 27 तारीख से बढ़ू, 2 और 7 9वा बोलते हैं ना बहुत बड़ा तो 9वा को लेके 9 ग्रह 9 ये जास्त करने बोले थे, थैंक यू आप दोहा सुनाए आई का देखो, जय हिंद जय महाराष्ट्र, थैंक यू Thank you.